दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30x50 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे पेड यूजर हैं, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी 30 फिट 30 फिट चौड़ाई है और 50 फिट यहाँ पर इसकी लंबाई है। इनका जो मकान है चारों तरफ से ओपन है, इसलिए मैंने चारों तरफ विंडो वगैरह दिया है। आप देख पा रहे हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है विंडो की तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन वी शेप में दिया है, एक पहले बारंदा या पोर्च से बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपका मकान का डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो ये पूरा रेलिंग वगैरह आप देख पा रहे होंगे, यही पूरा हम डिस्कस करेंगे। इसमें ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट किया है और हमारे जो पेड यूज़र हैं उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। अगर आप भी कोई भी मॉडल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। आप हमसे बात करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करा सकते हैं। ये मकान फिलहाल बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन फ्रंट का एलिवेशन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिज़ाइन बेहतरीन सा है, इसी को पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस मॉडल प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। इस मॉडल प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड और न्यू वीडियो मिलते रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन और मॉडल आपको मिल जाते हैं। तो आप एक बार इस मॉडल प्लान पर विजिट करें और कोई भी मॉडल आपको अगर पसंद आता है तो उसे देखकर आप बनवा सकते हैं। तो जो आज का प्लान है उसे सबसे पहले मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जूम करेंगे तो सबसे पहले ये वी शेप का, ये देखिएगा फ्रंट का एलिवेटर, इसका ये आपको पिलर्स मिल जाते हैं। ये पिलर की लंबाई है जो लगभग 7 फिट है और 7 फिट के बाद 3 फिट में ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये पहले बी में क्रिएट किया, इसमें भी डिजाइनिंग पीओपी का वर्क है। और ये वी शेप भी 3 फिट का है लगभग, और ये पिलर्स की लंबाई सभी 10-10 फिट पर हैं, क्योंकि 30 फुट टोटल है तो 10-10 फिट पर है। अगर लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 7 फिट है। इसके बाद वी शेप क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मेन रोड फ्रंट में है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपको बारंदा ही टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 फिट है, लेकिन ये वाला जो पिलर्स हैं क्रिएट किए हैं ये 6 फिट पर क्रिएट किए हैं लगभग, और ये 10 फिट पर, सभी के बीच में 10-10 फिट की यहाँ पर दूरी है। तो मेन डोर ये है, ये विंडो है। तो मेन डोर से आप जैसे अगर ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर है। मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं तो ये आपको एक गैलरी टाइप की मिलती है जिससे आप पूरा एंट्री कर पाएंगे। फ्रंट में आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है। ये इसका मैंने जो एंट्री है वो गैलरी से ही दिया है, विंडो चारों तरफ से दिए। फ्रंट में एक और आपको बेडरूम मिलता है, उसी से अटैच लेट एंड बाथ यहाँ पर एक है। इसी लेट एंड बाथ को आप पूरा कॉमन भी यूज कर पाएंगे। जैसे आप अंदर जाते हैं देखिएगा, यहाँ पर डोर जो दिया है इसका भी गैलरी से दिया है। यहाँ से आप अंदर जाते हैं तो इससे वाले बेडरूम से आप इस लेट एंड बाथ को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाती हैं। स्टेयर्स आप इस तरफ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे और टर्न होकर फिर उसी तरफ आ जाएंगे। इसके नीचे आप स्टोर रूम वगैरह बना सकते हैं। इसका ये आपका आंगन टाइप का मिल जाता है जिसे, और यहाँ पर आपका ये स्टोर रूम फ्रंट में, जिसके लिए डोर और विंडो मैंने दिया है। और इधर आपका एक किचन एरिया है जो आपको देखने को मिलता है। ये आपका किचन एरिया है जिसमें आप देख सकते हैं आंगन से डोर और विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, और बाहर से भी मैंने एक विंडो दिया है। सबसे पीछे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं जिसके लिए सेपरेट अलग अलग डोर, दोनों के लिए विंडो देखने को मिलता है। तो ये 2 बेडरूम पीछे, फिर आपका स्टोर रूम, फिर लेट एंड बाथ, फिर इधर इस साइड में किचन और स्टेयर्स। फ्रंट में आपको 2 बेडरूम और फ्रंट में आपको बेहतरीन सा एक बारंदा और एक स्पेशल सा लुक देखने को मिलता है। तो ये पूरा मॉडल ग्राउंड फ्लोर था। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री और फ्रंट में रेलिंग आप देख पा रहे होंगे। रेलिंग बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन किया है। अगर हम बात करें, ये स्टील यहाँ पर यूज़ किया गया आयरन का, और ये आपके प्लस वगैरह हैं। तो यही पूरा मॉडल 30x50 फिट में जो मैंने क्रिएट किया, ये हमारे सब्सक्राइबर थे वो लगातार हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने 2 से 3 दिन और उनके कहने पर पूरा मॉडल डिज़ाइन किया। अगर आपकी चारों तरफ जगह छूटी हुई है तो आप इन विंडो का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप इन विंडो को हटा सकते हैं। ये ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इन्हें क्लोज कर सकते हैं और आप बीच में अपना जो भी जाल वगैरह रखवा सकते हैं। तो यही मॉडल जो था मैंने अपने जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनको 2D+3D दे दिया है। तो आप भी अगर कोई भी मॉडल क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बात करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। 50% पेमेंट आपको वहाँ पर एडवांस देना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप, वो हमारी एक पेड सर्विस है तो इसलिए आप तभी कॉन्टेक्ट करें जब आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहें।
और बहुत से लोग आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बट इसके बाद वो लीव कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तभी कांटेक्ट करें। तो ये पूरा डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर।